रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच एक ऐसा वक्त आ गया था जब पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु अटैक करने का विचार बना लिया था, और उस वक्त पुतिन को समझाने के लिए कई बड़े नेताओं ने संपर्क किया, लेकिन पुतिन ने किसी की भी एक न सुनी। अमेरिकी अधिकारियों का यह दावा है कि उस वक्त पुतिन को भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल किया और ऐसा न करने की अपील की, और नतीजा ये रहा कि जंग में परमाणु हमले का विचार पुतिन ने बदल दिया। जब कीव से लेकर क्रेमलिन तक मिसाइलों का शोर गूंज रहा था, खार्किव से ज़ापोरिज़्या तक की सड़कों पर खून की होली खेली जा रही थी, डोनेत्स्क से रोस्तोव तक के रास्ते बम, बारूद और गोलियों की बरसात से छलनी हो चुके थे, और कीव के मैदान में आग बरसने वाली थी। कॉल ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी पर मंडरा रहे मौत के बादलों को शांत कर दिया। वो कॉल ना अमेरिका से थी, ना ब्रिटेन से, ना फ्रांस से, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रेमलिन में बैठे पुतिन के लिए थी। मॉस्को में परमाणु मिसाइल लोड हो चुकी थी, परमाणु युद्ध की घंटी बज चुकी थी, ज़ेलेंस्की का देश ज्वालामुखी की तरह जलने वाला था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दिमाग में एक टारगेट सेट हो चुका था, ज़ेलेंस्की की पराजय और कीव का खात्मा, लेकिन पीएम मोदी की युद्ध के बीच में दखल ने पूरे माहौल को ही बदल दिया। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि दो अमेरिकी अधिकारियों ने किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में शुरू हुआ संघर्ष परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा था। युद्ध टालने में दुनिया के बड़े नेताओं ने दखल दी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों का टकराव रोकने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। दावा है कि पीएम मोदी और कई अन्य नेताओं की सक्रियता के चलते पुतिन ने परमाणु हमले का विचार बदला और यूक्रेन पर परमाणु हमला टाला जा सका। युद्ध के बीच में एक ऐसा वक्त आ चुका था जब पुतिन की न मिसाइल काम आ रही थी, न ड्रोन और न ही उनकी युद्ध नीति। ज़ेलेंस्की के सामने पुतिन को अपनी शिकस्त किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं थी। ऐसे हालात में उनके सामने दो ही विकल्प थे, सरेंडर कर सुलह करना या फिर यूक्रेन पर परमाणु हमला कर उसे नेस्तनाबूद कर देना। रूस दुनिया में अपनी परमाणु ताकत के लिए जाना जाता है, ऐसे में उसके लिए यूक्रेन पर हमला बाएं हाथ का खेल था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उस वक्त अमेरिकी प्रशासन भी पुतिन के रवैये से काफी परेशान हो गया था। फिर बाइडेन ने भारत समेत कई देशों से मदद मांगी। अधिकारी के मुताबिक अमेरिका ने उस वक्त जो कुछ भी किया उनमें से एक न केवल रूस को सीधा संदेश देना था बल्कि उन देशों को बातचीत के लिए चुना गया जिनकी बात पुतिन मान सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। G20 से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई कई मीटिंग में पीएम मोदी ने हमेशा ही शांति की पेशकश करने की बात कही, जंग नहीं समाधान की अपील की। पीएम साफ कह चुके हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन।